आपके साथ शेयर करूंगी मेरा दीपावली ब्लॉग या ये दीपावली मैं अपने परिवार के साथ कैसे सेलिब्रेट किया इस ब्लॉग में मैं ये शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और मेरी ये दीपावली ब्लॉग को जल्द देखिए। तो फ्रेंड्स, दीपावली रोशनी की फेस्टिवल है और ये मैंने मेरा घर को रोशनी से सजाया है। देखिए, ये मैंने मिट्टी का दिया जलाया है और लाइटिंग भी किया है थोड़ी सी। मैंने सारे घर में मिट्टी का दिया जलाया है दीपावली के समय पे। और ये मेरी भगवान की मंदिर है, इसके सामने भी मैंने दिए से और मोमबत्ती से सजाया है और थोड़ी सी डिजाइन भी किया हुआ है। और भगवान जी के मंदिर को मैंने लाइट से सजाया हुआ है। दीपावली में ये सारी लाइट बहुत ही अच्छा लगता है। लाइट से सजाने के बाद घर का रूप अलग से ही खुलकर आते हैं। यहाँ पे भी मैंने मिट्टी का दिया जलाया है और ये हमारा तुलसी माता की पौधा है और मनसा देवी की पौधा है, यहाँ पे भी मैंने मिट्टी का दिया जलाया हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हमारी बैल्कोनी है, बैल्कोनी को भी मैंने लाइट से सजाया हुआ है। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितनी सुंदर रंग बिरंगे लाइट आ रही है दिखने में। बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइट से सजाने के बाद। चारों तरफ लाइट ही लाइट। और ये कुछ वीडियो फुटेज है काली माता की मंदिर की। हम लोग दिए जलाने के बाद काली माता की मंदिर दर्शन करने गए थे। ये है श्री श्री दशम महाविद्या माता की मंदिर। यहाँ काली माता की 10 रूप विराजमान हैं। आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर मंडप सजाया हुआ है और बहुत सारे भक्त भी आ चुके हैं। काली माता की पूजा थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है। देखिए, अभी तक सजावट की काम चल रही है। और ये है काली माता की मूर्ति, बहुत ही सुंदर और जागृत मूर्ति है। और ये सारी मूर्ति काली माता की 10 रूप का है। देखिए, नीचे नाम भी लिखा हुआ है, प्रत्येक मूर्ति का नाम भी लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और काली माता की मूर्ति भी बहुत सुंदर है। और ये यहाँ की बहुत ही जागृत काली माता है। बहुत भक्त भी आ चुके हैं। पूजा थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है। देखिए, बहुत सारे भक्त आ चुके हैं, सामने भी बहुत सारे भक्त थे। और ये है हजार हाथ काली माता की मूर्ति, ये भी बहुत ही जागृत काली माता है हमारे यहाँ की।
और ये उसके बाद हम लोग टेरिस पे आ चुके हैं और मेरे पति ये बैलून जला रहे हैं। मतलब किनारे किनारे ये बैलून जब आसमान में उड़ता है बहुत ही अच्छा लगता है। आगे बढ़ दस्ता हमें छूटा लेना। हमारे साथ बिल्ली के और भी लोग आ चुके हैं पटाखा फोड़ने के लिए। मुंटा जल लो উপরে অনেক বাজি খেলেছে ও আমার হাত থেকে যা রয়ে অনেক বাজি খেলেছে ঠিক আছে জানে তো না और ये बैलून देखिए कैसे आसमान में उड़ जा रहा है। हैप्पी दीपावली। ये आसमान में बैलून उड़ गया बहुत ही अच्छा लग रहा है। काली पूजा में पटाखा फोड़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग ये काली पूजा बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे उस दिन। पोछे चौके लगे बेटा और यहाँ पे बच्चे लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। ये काली पूजा बंगाली लोगों के लिए बहुत ही बड़ी फेस्टिवल होता है। दुर्गा पूजा के बाद ये रोशनी की फेस्टिवल है इसलिए बहुत सारा पटाखा और दिया जलाया जाता है और बहुत सारी लाइटिंग भी लगाया जाता है। और यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ पटाखा फोड़ रहे हैं और बिल्डिंग के और बच्चे लोग भी यहाँ पे पटाखा फोड़ रहे थे। बहुत ही एंजॉय किया हमने उस दिन बहुत ही अच्छा लगा। देखिए कितने एंजॉय कर रहे थे हम लोग चारों तरफ इतना ही पटाखा फोड़ रहा है। फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मैं ये जरूर आप लोगों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक यू।